तो अब कृषि अभियंत्रण के बहुविकल्पी और अति लघुत्तरी प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, तो पहले तो उनको देख लेते हैं और लघुत्तरी तथा विस्तृत उत्तरी प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं, उसका पार्ट टू बना देंगे। तो पहला प्रश्न है, यूपी नंबर दो का आकार होता है। तो ऑप्शनों में दिया हुआ है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 17 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 20 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, वह जूनियर कल्टीवेटर में खुरपों की संख्या होती है। तो ऑप्शनों में यहाँ पर है 3, 4, 5 या 6। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है 3। फिर अगला प्रश्न है, मेस्टन हल्की दाब रोधी बनी होती है। तो ऑप्शनों में यहाँ पर है ढलवा लोहे की, ढलवा इस्पात की, मृदु इस्पात की या उच्च कार्बन इस्पात की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ढलवा लोहे की। फिर अगला प्रश्न है, पशु चालित हो है। तो ऑप्शनों में है नैनी टाइप हो, सिंह हो, शर्मा हो या अकोला हो। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अकोला हो। फिर अगला प्रश्न है, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। तो ऑप्शनों में है 0.6% से 1% तक, 2%, 3% या 4%। तो जो इसका करेक्ट आंसर है वह है 0.6 से 1% तक। फिर अगला प्रश्न है, मेस्टन हल की फार होती है स्लिप फार, स्लिप नोज फार, सिन फार या सीधा फार। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्लिप फार। फिर अगला प्रश्न है, हल में लगे वर्टिकल क्लेविस से नियंत्रित किया जाता है कुंड की गहराई, कुंड की चौड़ाई, कुंड की गहराई तथा चौड़ाई दोनों या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कुंड की गहराई। फिर अगला प्रश्न है, हाइड्रोलिक लिफ्ट का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शनों में है गियर बदलने के लिए, कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाने के लिए, ट्रैक्टर की चाल बढ़ाने के लिए या इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे उठाने के लिए। फिर अगला प्रश्न है, मेस्टन हल फार बना होता है ढलवा लोहे का, द्रुत स्थिति ढलवा लोहे का, मृदु इस्पात का या उच्च कार्बन इस्पात का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है द्रुत स्थिति ढलवा लोहे का। फिर अगला प्रश्न है, हाथ से कुट्टी काटने वाली मशीन का गतिपाल चक्र बना होता है ढलवा लोहे का, पिटवा लोहे का, मृदु इस्पात का या उच्च कार्बन इस्पात का। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ढलवा लोहे का। फिर अगला प्रश्न है, वह हल की फार होती है स्लिप फार, सिन फार, स्लिप नोज फार, सीधा फार। तो इसका करेक्ट आंसर है स्लिप फार। फिर अगला प्रश्न है, मेस्टन हल का आकार होता है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 15 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, नियंत्रक सलाका लगी होती है मेस्टन हल में, शाबाश हल में, यूपी नंबर दो हल में या विक्ट्री हल में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है विक्ट्री हल में। फिर अगला प्रश्न है, प्रजा हल की फार बनी होती है द्रुत स्थिति ढलवा लोहे की, मृदु इस्पात की या उच्च कार्बन इस्पात की। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है द्रुत स्थिति ढलवा लोहे की। फिर अगला प्रश्न है, मध्यम कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है। ऑप्शनों में है 0.25% से कम, 0.25% से 0.6% तक, 0.7% से 0.85% तक या 1% से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 0.25% से 0.6% तक। फिर अगला प्रश्न है, यूपी नंबर दो हल का आकार होता है 12 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 20 सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, उच्च कार्बन इस्पात में कार्बन की प्रतिशत मात्रा होती है 0.25% से कम, 0.6 से 1.5% तक, 2%, 3% से अधिक। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 0.6 से 1.5% तक। फिर अगला प्रश्न है, शाबाश हल का आकार होता है 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, 18 सेंटीमीटर या 20 सेंटीमीटर। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 15 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न है, पिटवा लोहे में कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है। तो ऑप्शनों में है 0.1 से 0.2%, 0.05 से 0.1%, 0.02 से 0.05% या 0.5 से 0.8%। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 0.5 से 0.1%। फिर अगला प्रश्न है, दाब रोधी का प्रयोग होता है कल्टीवेटर में, हो में, मिट्टी प्लेट हल में या डिस्क हैरो में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मिट्टी प्लेट हल में। फिर अगला प्रश्न है, बाग का हैरो किसे कहते हैं। तो ऑप्शनों में है टैंडम हैरो को, तिकुनिया हैरो को, खूंटीदार हैरो को या ऑफसेट हैरो को। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑफसेट हैरो को।
फिर अगला प्रश्न है, विकेंद्रीय पंप अधिकतम कितने मीटर नीचे से पानी उठा सकता है? तो ऑप्शनों में है 4.5 मीटर से, 6 मीटर से, 7.5 मीटर से या 11 मीटर से। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 7.5 मीटर से। फिर अगला प्रश्न है, इस्पात के कठोरीकरण के लिए उसे किस तापमान तक गर्म करते हैं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 750 डिग्री सेल्सियस से 800 डिग्री सेल्सियस। फिर अगला प्रश्न है, मिट्टी पलट हल का हल मूल बना होता है उच्च कार्बन इस्पात का, मृदु इस्पात का, ढलवा लोहे का या पिटवा लोहे का? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ढलवा लोहे का। फिर अगला प्रश्न है, हल के खिंचाव को प्रभावित नहीं करता है भूमि का क्षेत्रफल, कुंड की चौड़ाई, भूमि का प्रतिरोध या कुंड की गहराई? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भूमि का क्षेत्रफल। फिर अगला प्रश्न है, इंजन में ऊपरी निष्क्रिय स्थिति से निचली निष्क्रिय स्थिति तक की दूरी को कहते हैं संयोजक दूरी, गतिपाल, बोर या स्ट्रोक? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है स्ट्रोक। फिर अगला प्रश्न है, कटे हुए चारे की लंबाई बढ़ाई जा सकती है? तो ऑप्शनों में है, गतिपाल पहिए के चक्कर को बढ़ा करके, गड़ासों की संख्या कम करके, गड़ासों की संख्या बढ़ा करके या गतिपाल पहिए के चक्कर कम करके? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गड़ासों की संख्या कम करके। फिर अगला प्रश्न है, कठोरीकरण के उपरांत इस्पात हो जाता है? तो ऑप्शनों में है, प्रत्यास्थ, तन्य, भंगुर या आघात वर्धनीय? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है भंगुर। फिर अगला प्रश्न है, ट्रैक्टर में हाइड्रोलिक का कार्य है इंजन को रोकना, कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे करना, गियर बदलना या ट्राली से ढुलाई करना? तो इसका करेक्ट आंसर है कृषि यंत्रों को ऊपर नीचे करना। फिर अगला प्रश्न है, सीड ड्रिल द्वारा नियंत्रित नहीं होती है? ऑप्शनों में है, बीज की दर, बीज की गहराई, पंक्ति से पंक्ति के बीच की दूरी या बीज से बीज की दूरी? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बीज से बीज की दूरी। अगला प्रश्न है, मृदु इस्पात में कार्बन की प्रतिशत होती है 2 से 4%, 0.5 से 1%, 3 से 5% या 4 से 5%? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 0.5 से 1%। अगला प्रश्न है, मेस्टन हल का दाबरोधी होता है? तो ऑप्शनों में है, आई आकार का, एल आकार का, टी आकार का या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है, थ्रेसर का आकार मापा जाता है? तो ऑप्शनों में है, सिलेंडर एवं एक्स्ट्रा रेक की चौड़ाई द्वारा, थ्रेसर के चक्कर प्रति मिनट द्वारा, मढ़ाई ड्रम की परिधि द्वारा या इनमें से कोई नहीं? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है मढ़ाई ड्रम की परिधि द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, कैस्टेराइट अयस्क है तांबे का, एल्युमिनियम का, टिन का या जस्ते का? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टिन का। अगला प्रश्न है, तापानुशीतन इस्पात को कठोर बनाता है, भंगुर बनाता है, आघात वृद्धि बनाता है या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आघात वृद्धि बनाता है। फिर अगला प्रश्न है, हल का खिंचाव मापते हैं वोल्टमीटर द्वारा, डायनोमीटर द्वारा, बैरोमीटर द्वारा या स्पीडोमीटर द्वारा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है डायनोमीटर द्वारा। फिर अगला प्रश्न है, प्राथमिक भूपरिष्करण यंत्र है कल्टीवेटर, हो, सीड ड्रिल या इनमें से कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर है इनमें से कोई नहीं। फिर अगला प्रश्न है, ड्रा बार अश्व शक्ति ज्ञात करने का सूत्र है? तो देखिए ये 4 प्रकार से यहाँ पर सूत्र दिए हुए हैं, ठीक है, लेकिन जो ड्रा बार अश्व शक्ति का सही सूत्र है वह है द नंबर, जो कि है कुल खिंचाव किलोग्राम में गुणे 4 मीटर प्रति मिनट में और अपान में 4500। अगला प्रश्न है, पृष्ठ कोण बनता है किनारे से मध्य की ओर जुताई करने पर, मध्य से किनारे की ओर जुताई करने पर, किनारे से किनारे की ओर जुताई करने पर या प्रत्येक विधि द्वारा जुताई करने पर? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बा, जो कि है मध्य से किनारे की ओर जुताई करने पर। अब अति लघु उत्तरी प्रश्नों में जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनको देख लेते हैं। तो पहला प्रश्न है, टिन का गलनांक बिंदु क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टिन का गलनांक बिंदु 232 डिग्री सेल्सियस तापक्रम है। फिर अगला प्रश्न है, नट और बोल्ट किससे बने होते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, नट और बोल्ट मृदु इस्पात से बने होते हैं। फिर अगला प्रश्न है, गन मेटल के अवयव क्या क्या हैं तथा इसका क्या उपयोग है? तो गन मेटल के अवयव में तांबा जो कि 88% होता है, रांगा 10% होता है और जस्ता 2% होता है। और उपयोगों में इसका पहला उपयोग है, इस पर जंग नहीं लगता है। दूसरा उपयोग, गन मेटल तोप, बंदूक, पिस्तौल आदि बनाने के काम आती है। और तीसरा उपयोग यह है कि यह आसानी से घिसती नहीं है।
फिर अगला प्रश्न है, इस्पात का कठोरीकरण कैसे करते हैं? तो उत्तर में हो जाएगा, कठोरीकरण इस्पात का ऊष्मीय उपचार है। ऐसे इस्पात को जिसमें पर्याप्त मात्रा में 800 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करके पानी, तेल अथवा नमक के पानी में बुझा दिया जाए, तो इस विधि से तैयार इस्पात कठोर हो जाता है और इस क्रिया को कठोरीकरण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, सिंहो का स्वच्छ चित्र बनाइए। तो देखिए, यह चित्र सिंहो का है। फिर अगला प्रश्न है, कल्टीवेटर के प्रकार लिखिए। तो कल्टीवेटर दो प्रकार के होते हैं, एक होता है पशु चलित कल्टीवेटर और दूसरा होता है ट्रैक्टर चलित कल्टीवेटर। फिर अगला प्रश्न है, सीड ड्रिल की गति का बीज दर पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, सीड ड्रिल की गति बढ़ने से बीज दर कम हो जाएंगे और गति घटने से बीज दर बढ़ जाएगी। फिर अगला प्रश्न है, खिंचाव किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यंत्रों को खींचने में जो शक्ति लगाई जाती है उसे यंत्रों का खिंचाव कहते हैं, जिसे किलोग्राम या कुंटल में मापा जाता है। फिर अगला प्रश्न है, कृषि यंत्रों का खिंचाव नापने वाले यंत्र का नाम बताइए। तो इसका उत्तर हो जाएगा, डायनोमीटर। फिर अगला प्रश्न है, अभिकर्षण रेखा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, यह प्रतिरोध केंद्र तथा खिंचाव केंद्र को मिलाने वाली एक काल्पनिक रेखा है। फिर अगला प्रश्न है, इकाई खिंचाव का सूत्र लिखिए। तो देखिए, इसका सूत्र होता है कोण की अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल गुणे भूमि का प्रतिरोध, और प्रतिरोध किलोग्राम प्रति वर्ग सेंटीमीटर में होना चाहिए। फिर अगला प्रश्न है, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर में कितने लीटर पानी होता है? या यह प्रश्न इस प्रकार से भी हो सकता है, खेत में सिंचाई के पानी की माप की इकाई लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा, एक हेक्टेयर सेंटीमीटर पानी बराबर 100,000 लीटर या 100 क्यूबिक मीटर, और जो पानी की माप की इकाई होती है वह होती है हेक्टेयर सेंटीमीटर। फिर अगला प्रश्न है, सेक्शन लिफ्ट से आप क्या समझते हैं? तो जो सेक्शन लिफ्ट होती है यह पानी उठाने का यंत्र होता है। फिर अगला प्रश्न है, खुले इम्पेलर का चित्र बनाइए। तो यह है खुले इम्पेलर का चित्र। फिर अगला प्रश्न है, प्राइमिंग की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर में हो जाएगा, पंप के आवरक से वायु को बाहर निकालने की प्रक्रिया प्राइमिंग कहलाती है। और यदि इसके आगे लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं कि पंप को प्रारंभ करने से पहले उसके कैंसिंग में पानी को भर देते हैं, जिससे उसके अंदर की वायु पूर्ण रूप से बाहर निकल जाती है। इस कार्य के लिए एक टोंटी का प्रयोग करते हैं, जिसे प्राइमिंग टोंटी कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जल भरा क्या है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, भूगर्भित रचना जिसमें जल भरा रहता है और जहां से वह पर्याप्त मात्रा में प्राप्त हो सकता है, जल भरा कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, पेट्रोल इंजन का संपीड़न अनुपात किस सीमा में होता है? तो इसका अनुपात 5:1 से 8:1 तक होता है। फिर अगला प्रश्न है, डीजल इंजन का संपीड़न अनुपात किस सीमा में होता है? तो इसका अनुपात 14:1 से 21:1 तक होता है। फिर अगला प्रश्न है, कैम के ऊपरी भाग को क्या कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, टैपेट। फिर अगला प्रश्न है, खुला कोण किसे कहते हैं? तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाहर से भीतर जुताई करने पर अंतिम कोण नाली के रूप में बचती है, जिसे खुला कोण कहते हैं। फिर अगला प्रश्न है, जीवांश खाद का प्रयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, जीवांश खाद का प्रयोग बुआई के बाद भी, परंतु सामान्यतः बुआई के पूर्व ही जीवांश खाद का प्रयोग किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गियर शक्ति प्रेक्षण के क्या लाभ हैं? तो इसका पहला लाभ है कि शक्ति का ह्रास नहीं होता है, और दूसरा लाभ यह है कि कम स्थान की आवश्यकता होती है, और तीसरा इसका लाभ है कि विभिन्न प्रकार की गति प्राप्त की जा सकती है, और चौथा लाभ है, समांतर शाफ्ट पर शक्ति का प्रेषण इस पर गियर द्वारा किया जाता है। फिर अगला प्रश्न है, गन्ना पेरने के कोल्हू में प्रयुक्त बेलनों के नाम लिखिए। तो पहला होता है नर बेलन, दूसरा होता है कुचलने वाला बेलन, तीसरा होता है रस निकालने वाला बेलन। फिर अगला प्रश्न है, गन्ना पेरने के कोल्हू में सबसे बड़े बेलन का क्या नाम है? तो इसका उत्तर हो जाएगा, किंग रोलर। तो जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स और विस्तृत उत्तरी प्रश्न है उनको अगले वीडियो में करेंगे।